subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मतलब कायदे आजम को तो बहुत पहले उनकी जिंदगी में ही गलत साबित कर दिया था, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पता नहीं आपका ये जुर्म माफ भी होगा कि नहीं होगा। 30 करोड़ वहाँ बर्बाद हो गए। अगर कुछ बदला है, तब्दील हुआ है तो सिर्फ वक्त। सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि आप 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके। अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। कश्मीर कहते हैं कि हमने फतह करना है, रोटी खाने को नहीं है, घर में दाने हैं नहीं, मगर कश्मीर फतह करना है 5 गुना बड़ी कुवत से, जिसकी इकॉनमी 4थी 5वीं इकॉनमी हो चुकी है, जो दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, उससे हमने लड़ना है। कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुओं की है, फिर भी वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे तो इस्लामिक निजाम भी नहीं है, तो वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? और हमारे यहाँ पे हम एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता। भारत ज्ञान की सरजमीन है, और जिस जमाने में के दुनिया में स्कूलें नहीं थी, उस जमाने में भारत में यूनिवर्सिटियां थी, एक दो नहीं दर्जनों यूनिवर्सिटियां थी। और जिस जमाने में लोग किताब नाम की चीज को पता नहीं होता था कि क्या है, उस जमाने में भारत में लाइब्रेरियां होती थी। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की पोस्ट सर्कुलेट कर रही थी कि बेहतर था दादा या नाना जो है वो 1971 में बांग्लादेश जाने का ही फैसला कर लेते, या इस जगह पे आने के बजाय अगर वहाँ पे रह रहे होते तो ज्यादा बेहतर था। आईएसपीआर साहब, मेरी जरा गौर से बात सुनना। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था, और आपको ये पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में कि हमारा क्या जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है, डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था, पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, जब उसामा बिन लादन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने अकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? या तो कोई सांप सूंघ गया था, या तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, या तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर था वो गलानी था ना जरदारी, 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए हमारे मुल्क में, दुनिया में जलील हुए हम। आधा मुल्क बिगनिंग में, मतलब कायदे आजम को तो बहुत पहले उनकी जिंदगी में ही गलत साबित कर दिया था कि कायदे आपने हिंदुस्तान के मुतहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। पता नहीं आपका ये जुर्म माफ भी होगा कि नहीं होगा। 30 करोड़ वहां बर्बाद हो गए, मुकम्मल यानी कि 70 करोड़ की आबादी बिखर के रह गई, आज इनका कोई मुस्तकबिल ही नहीं नजर आता। तो बहुत तकलीफ देह सूरत हाल है, और ये कहना कि जी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, आप नोट करें कि रोज एक चीज खराब होती है, कोई एक उम्मीद कहीं आपको नजर। वो कश्मीर कहते हैं कि हमने फतह करना है, रोटी खाने को नहीं है, घर में दाने हैं नहीं, मगर कश्मीर फतह करना है 5 गुना बड़ी कुवत से, जिसकी इकॉनमी 4थी 5वीं इकॉनमी हो चुकी है, जो दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है, उससे हमने लड़ना है। आप वो उसके टमाटर वाय दुबई खरीद रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस नजरिए के हामी है ना कि जी हमने तो कश्मीर लेना है, उनके घर में ना टमाटर की कमी है, ना गंदम की कमी है, ना उनके यहाँ बिजली रुकती है, उन्हें सब आते हैं, तो कीमत आपसे वसूल करते हैं। तो दुनिया बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है, नजर आ रहा है कि वो फिर जमा हो रहे हैं, और वो जाते हुए भी उन्हें पता था कि ये अनफिनिश एजेंडा है, तो मगर वो तय करके कहते हैं कि हुजूर बड़ी मुश्किल क्या पेश आई। उनका के गुलामों को यह यकीन दिलाना कि तुम कभी आजाद भी हो सकते हो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। इस सिचुएशन का शिकार है हम कि हमें यकीन ही नहीं है, इसलिए हम बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, और बहुत खौफजदा, इतने खौफजदा हैं कि डर जाते हैं सोच के भी कि हम अपने हकूक के लिए कभी बाहर निकले। पता नहीं
ये कैसे पॉसिबल है कि 75 साल से लूट मची हुई है, लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। और उसके बाद जी कभी वो मिस्टर जिन्ना से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी वो मुजीबुर रहमान से कंपेयर हो रहे होते हैं, कभी नेल्सन मंडेला से हो रहे होते हैं, कभी नेल्सन मंडेला, और कभी तो आलम इस्लाम के कहते लीडर हैं। अब मुझे नहीं पता कि यार ये 58 कंट्रीज में कोई लीडर नहीं है कि इमरान खान उनके लीडर है, इमरान खान उनके लीडर है, और मतलब वो कौन सा आलम इस्लाम का लीडर है जो तोशाखाना की चीजें बेच के खा गया, ये भी कोई मुझे बता दे। लेकिन अजीब किस्म का लीडर है, घड़ियां वड़ियां बेच के, वो कहते हैं मेरी घड़ी थी मैंने बेच दी, तो बिल्कुल इस किस्म के लीडर हमारे यहाँ सही हो सकते हैं। भारत ज्ञान की सरजमीन है, और जिस जमाने में के दुनिया में स्कूलें नहीं थी, उस जमाने में भारत में यूनिवर्सिटियां थी, एक दो नहीं दर्जनों यूनिवर्सिटियां थी, और जिस जमाने में लोग किताब नाम की चीज को पता नहीं होता था कि क्या है, उस जमाने में भारत में लाइब्रेरियां होती थी, और ऐसी ही टैक्सिला की लाइब्रेरी और नालंदा की लाइब्रेरी को मुसलमान बादशाहों ने आग लगा दी थी। वो ज्ञान का दुनिया में इससे बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा गया। जबकि कहते हैं कि जो वेद हैं, पुराने हैं, रामायण, गीता, महाभारत, जितनी भी हिंदू धर्म की किताबें हैं, वो एक दिन में नहीं बनी, और वो सदियों की निचोड़ हैं जो कि एक जगह आके जमा हुई। इनमें हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की रिसर्च है, और इसके बाद ये धर्म का पूरा सिस्टम बना है, और ये ज्ञान का पूरा सिस्टम बना है। कि आज अगर हमारे लोग जो है वो अगर जो जो उनका मैंने बिहेवियर देखा, जैसे चीजें तोड़ रहे थे और छलांगे मार रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारे आटा नहीं है, वही ऐसा लेके जा रहे थे, वही तुम्हारे घर में कोक की बोतलें लेके जा रहे थे। अब मैं उनको कहूँ भाई तुम्हारे घर में आटा नहीं है, कोरवा तुम किस चीज से खाओगे, क्यों ले जा रहे हो उठा के। लेकिन बस एक फ्रस्ट्रेशन थी, एक अजीब किस्म के लोग थे जो ये हरकतें कर रहे थे। मरियम औरंगजेब साहबा जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इस पे इंडिया हंस रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, लेट्स सपोज अगर इंडिया हंस रहा है, इंडिया का मीडिया हंस रहा है, तो उन्हें मौका कौन दे रहा है। सेकेंडली अगर यही सिचुएशन अल्लाह ना करे इंडिया में होती या कोई भी हमारे हरीफ कंट्री में होती, तो क्या हम वो अपनी मीडिया पे ना दिखाते। सेकेंडली हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें और इंडियन पॉलिटिशियंस की बात करें कि वो अपने कंट्रीज को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, सोच में क्या फ़र्क है, विजन में क्या फ़र्क है, और इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और इंडिया कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। बिलावल साहब कभी स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान इंडियन एजेंट है, कभी कोई स्टेटमेंट देता है ये इसराइल का एजेंट है, मतलब हम एक दूसरे को एजेंट एजेंट कहने में मसरूफ हैं। दुनिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, दुनिया आपस में मिलकर इकॉनमी के ऊपर काम कर रही है।